हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस चैनल पर। जैसा कि आईटीआई मॉपअप काउंसलिंग 27/12/21 के बाद जो है वैकेंट सीट पोजीशन ऑफ आईटीआई कैट 2021 का जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है, और कितना सीट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ ये देख लीजिए, और सभी जिले का जो है क्यों नहीं लिस्ट जारी किया जा रहा है ये भी इस वीडियो में जान लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कई लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जब वीडियो देखते हैं तो मैसेज करते हैं सर इसका वीडियो बना दीजिए, इसका वीडियो बना दीजिए। तो ये सब वीडियो जो है अपलोड है हमारे चैनल पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सभी अपलोड है, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप जो है प्लेलिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं, और सभी वीडियो अपलोड है। वीडियो अपना चेक करके अपना अनुसार ज़रूरत के अनुसार आप देख लें। वीडियो को जब भी पहली बार देखते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल पर सभी वीडियो अपलोड है, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड है। कितना फीस लगेगा, क्या है, सब कुछ डिटेल में सभी अपलोड है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और चलिए फटाफट हम जानते हैं आज का लिस्ट। इस लिस्ट का जो है आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है, इधर जो है इंस्टीट्यूट नेम है, इधर यानी कि ट्रेड है, उसके बाद अपना कैटेगरी देख करके उस हिसाब से जो है आप अपना सीट देख लेंगे, जो कौन से ट्रेड में कितना सीट बचा हुआ है। तो आप पहले सुपौल का देख लीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट का जो है इतना ट्रेड अभी जो है बच रहा है, यानी कि 103 ट्रेड अभी यानी कि सीट बच रहा है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे बढ़ के जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद देख सकते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो है शो हो रहा है, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट होंगे वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो है सीट अपना देख लेंगे। तो चलिए फटाफट देख लीजिए, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो है 101 सीट अभी खाली बच रहा है। और उसके बाद देख लीजिए आपका भागलपुर का शो हो रहा है, भागलपुर में भी आप सभी कैंडिडेट देख लेंगे जो कौन सा ट्रेड अभी कितना बचा हुआ है अपने हिसाब से। और भागलपुर में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 सीट शो हो रहा है। उसके बाद देख लीजिए भागलपुर के बाद जो है आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है कितना सीट है, तो अभी 101 सीट जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में शो हो रहा है, यानी कि बचा हुआ है। और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट का है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए कितना, तो यहाँ भी 141 सीट अभी जो है खाली है। उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट गया डिस्ट्रिक्ट का भी देख लीजिए, इसमें जो है कितना खाली है, 296 सीट गया डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है खाली है। उसके बाद जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट होंगे वो अपना डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी टोटल सीट खाली कितना है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट का जो है अभी 459 सीट यहाँ पर जो है खाली है पटना डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद देख लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है आपका मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का शो हो रहा है, मधुबनी में जो कैंडिडेट होंगे वो सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने अनुसार देख लेंगे मधुबनी का, ठीक है। उसके बाद जो है मधुबनी का यहाँ पर शो हो रहा है 303 टोटल सीट जो है अभी खाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं बेगूसराय का, बेगूसराय में देख लीजिए कितना सीट जो है खाली है वैकेंट सीट, तो 200 सीट जो है बेगूसराय में खाली है अभी। और उसके बाद जो है आपका बस सबसे लास्ट में आपको जो है बेगूसराय का काउंसलिंग, तो आप ये सभी देख सकते हैं यही सब डिस्ट्रिक्ट का जो है अभी काउंसलिंग हुआ है। और जो डिस्ट्रिक्ट का अभी शो नहीं हो रहा है तो उन लोगों का आप जो है लिस्ट जो जारी किया गया था रोल नंबर का लिस्ट, जिसमें आप लोग देखते होंगे अनरिजर्व में और रिजर्व में, तो उस लिस्ट के अनुसार आप देख सकते हैं जो किस दिन किन कैंडिडेट को जाना है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट का जो है किस दिन से स्टार्टिंग डेट है, यानी कि फर्स्ट डेट जो होगा उस दिन से यानी कि स्टार्ट होगा, तो उन लोगों का भी लिस्ट आएगा। तो आप लोग रोज़ देखते रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।